अंदर हम आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें कि आपका CDP और वशिष्ठ BTC होता है या फिर BEd होता है, ठीक है, इसका हम आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूरे नोट्स देते हैं, पैडागॉजी के नोट्स देते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम आपको नोट्स देते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा वगैरह के सबके हम आपको देते हैं नोट्स। लेकिन अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट की, तो उसमें कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट में हम आपको नोट्स प्लस क्लासेस देते हैं, ये आपको देखना है, N+C का फॉर्मूला लेके चलना है, ठीक है। हाय, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना PGT कॉमर्स का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और इस नोटिफिकेशन में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, प्लस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस पेपर को आप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से नोट्स और क्लासेस पढ़ के आप 100% इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, KVS PGT कॉमर्स में 5 सिलेक्शन हमने करवाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कराया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारे नोट्स या क्लासेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हाय, मेरा नाम है अक्षय, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। फटाफट आपको बताता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन निकला है, आपको बता दूँ आज ही की डेट को 24 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन निकला है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए ये निकला है फॉर मेवात क्रेडर, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस कुछ नीचे दी हुई हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले ये है कि इस फॉर्म को अगर आपको भरना है, इस पेपर को अगर आपको देना है, तो आपको hpsc.gov.in इसी वेबसाइट पे जाना होगा, यहीं पे फॉर्म भरेंगे आप, यहीं पे आपको सारी फीस वगैरह पे करनी है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस फॉर्म को आज की डेट के दिन इसका नोटिफिकेशन निकला है, 28 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि वेडनेसडे से, और 18 जुलाई 2023 को इसकी आखिरी डेट होने वाली है, ठीक है। 18 जुलाई से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, जो कि आपको समझ लेनी चाहिए इस एग्जाम को देने से पहले। इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, हाउ टू अप्लाई वगैरह है, ये सब आप जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। आपको ये वेबसाइट पहले दी हुई है, इसी वेबसाइट पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ आप देख लो कि टोटल पोस्ट जो हैं वो हैं 7, जनरल बॉयज़ की, अगर मेल की बात करें तो जनरल की 4 सीटें हैं, जिसमें SC की 1 सीट है, और BCA की कैटेगरी की 1 सीट है, बाकी कोई भी सीट्स यहाँ पे नहीं, EWS जनरल में 1 सीट है, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो 1 जनरल में सीट है इनकी, और बाकी किसी भी चीज़ में इनकी कोई सीट नहीं दिख रही, हाँ, लेकिन विजुअली हैंडीकैप में 1 सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल आप देख लीजिए इतनी सीट्स हैं यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं हम, और हाँ, ऊपर तो कुछ ऐसी बताने वाली बहुत खास बातें नहीं है, खास बातें तो हैं लेकिन बहुत खास बातें नहीं है। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्या है, आपके पास सबसे पहले तो MCOM होना चाहिए, जिसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए 50% इसमें मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही में आपके पास एंड है और नहीं है, आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। इससे पहले हमने UP PGT, जिसकी तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं, अभी आगे आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि सिर्फ MCOM मांगा गया है, लेकिन इन लोग ने BEd MCOM दोनों मांगा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि आपके पास मैट्रिक, यानी कि 10वीं क्लास में आपको हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है, देखो ऐसा तो कोई बोर्ड होता ही नहीं है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे इंडिया में कोई भी बोर्ड हो, मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसमें हिंदी या संस्कृत नहीं होती है एक लैंग्वेज, ठीक है, तो ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट है कि आपके पास एस्टेट या फिर एस्टेट होना चाहिए, सीटेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है भाई, अगर सीटेट को ख़त्म ही करना है, चाहे BPSC हो चाहे HPSC हो, सब लोग धीरे धीरे सीटेट को हटा ही रहे, जब सीटेट की कोई वैल्यू नहीं है तो इतना बड़ा एग्जाम क्यों कराते हो, फिर क्यों हिमांशी जी इतना पढ़ाती हैं सबको और लोग पेपर निकालते हैं। फिर देखिए क्या है अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10th+ 12th
प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब में अगर आप एवरेज निकाल के चलें तो आपके 50% होने ही होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज़ आपकी लिखी भी हुई है, आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक इंसान जिसने एस्टेट या एस्टेट बिना बीएड के करा हुआ है, ठीक है, और वो ग्रुप बी सर्विस रूल्स के अंदर आता है तो उसको एलिजिबल माना जाएगा। मतलब बिना बीएड के भी अगर आपने एस्टेट और एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होता है तो आपको उसमें एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही लिखी हुई है कि आपका यहाँ पे एज़ पर द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपके 50% होने चाहिए, एवरेज होना चाहिए 3 एग्जामिनेशन का, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, जो कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, उसमें आपके 55 होने चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कॉमर्स की बात करेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे है कि एज़ पर द यूनिवर्सिटी, देखो आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, 5% रिलैक्सेशन वगैरह ये सब आप लोग पढ़ ही लोगे अपना फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, क्लोजिंग डेट देखिए 18 जुलाई इन्होंने बहुत साफ रखी हुई है, अगर आपने क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म वगैरह या लास्ट जो भी इनकी चीज़ है फीस वगैरह नहीं भरी तो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी हाल में। ठीक है, 18 जुलाई से पहले इसको भर दीजिएगा। अब पेपर कैसा होने वाला है ये देख लीजिए, पेपर होने वाला है आपका 100 नंबर का MCQ। अब देखो हम लोग जो तैयारी करवाते हैं उसमें हम आपको ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इनके हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे अपने, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो उसके अंदर हम आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें कि आपका CDP और वशिष्ठ BTC होता है या फिर BEd होता है, ठीक है, इसका हम आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूरे नोट्स देते हैं, पैडागॉजी के नोट्स देते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम आपको नोट्स देते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा वगैरह के सबके हम आपको देते हैं नोट्स। लेकिन अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट की तो उसमें कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट में हम आपको नोट्स प्लस क्लासेस देते हैं, ये आपको देखना है, N+C का फॉर्मूला लेके चलना है। ठीक है, ये आपका नोट से हो जाएगा, हमारे जो दिए हुए नोट्स हैं उससे आपका ये 100% तैयार हो जाएगा। और बाकी ये देखिए, अभी मैं आपको आगे बताने भी जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं क्लासेस में आएंगी, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी और क्लासेस में हमने कंप्लीट करा दी, अभी एक एक टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ आगे। ठीक है, फिर देखिए क्या आगे है आपका कि सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करेंगे और 5 ऑप्शन होने वाले हैं इसमें, ABCDE। ठीक है, 5 ऑप्शन होने वाले हैं इसमें और नेगेटिव मार्किंग आपकी पूरी होने वाली है, एक रॉन्ग आंसर की 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये एक चीज़ आपने समझ ली। अब देखिए इसी में हम आगे आ जाते हैं तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह इतना आपको पता है। आगे देखिए, स्पेशल नॉलेज टेस्ट जो कि आपका मेन पेपर होगा, मेन पेपर की जो वेटेज होने वाली है वो आपकी होने वाली है 87.5% की, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, जिसका 12.5% का आपका वो रहेगा। इन दोनों का सबका वेटेज निकाल के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,600 से लेके लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी है, स्टार्टिंग लगभग 90,000 तक की सैलरी इसमें मिलती है इन हैंड, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो 90,000 के आसपास सैलरी इसमें जो है देखने को मिलती है। आगे देखिए, अब हम आपको डायरेक्टली, देखो इसमें रूल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये सब आप जानते ही हो, अब हम आपको डायरेक्टली बताने जा रहे हैं जो इसमें पेपर में आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, आप लगे हाथ। फॉर्म की फ़ीस जो है वो होने वाली है 1,000 रुपये, 250 रुपये, और 250 रुपये किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये, फॉर मेल कैंडिडेट SC जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए 250 रुपये। ठीक है, जो भी मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए 1,000 रुपये जो है फीस है। ठीक है, देखिए अब हम आ जाते हैं कॉमर्स के ऊपर। इससे पहले हमने KVSPGT कॉमर्स 23 में 5 सिलेक्शंस करवा के दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये सिलेक्शंस आपके होंगे कैसे। मैंने आपको बताया कि आपको बाकी चीज़ें नोट्स से पढ़नी है, लेकिन इसका आपको नोट्स प्लस क्लासेस दोनों मिलेंगी अगर आप हमारी क्लासेस, अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो। आपको बता दूं एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ा रखी है, कौन सी, देखिए जो हमने कंप्लीट करा रखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, अभी तक हमारी 36 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अराउंड हमारी कुछ क्लासेस और होंगी और 50 या बहुत ज़्यादा 55 क्लासेस होंगी जिसमें हम आपका
सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जो है हम आपका MCQs जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हैं, हालांकि हम अपनी क्लास में ये सब बता ही देते हैं, लेकिन अलग से भी हर टॉपिक वाइज एक वीडियो बना के आपका पूरा का पूरा 100% कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री कॉमर्स, ये सब मैंने अपने एक वीडियो में, आपको एक वीडियो देखना है, हमारा हर वीडियो जो है 30 से 40 मिनट्स तक का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और नोट्स आपको मिल जाते हैं, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, और अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन कंप्लीट तय है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। डिस्टिंक्टिव फीचर, एक एक चीज़ हमें अपनी तरफ से हमने सब पढ़ा दिया है, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट स्मॉल सेक्टर, ये सब हमने कंप्लीट कर रखा है एक वीडियो में। एक और वीडियो हमने बना रखा है जिसमें हमने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं सब पढ़ा रखी हैं, जो है आपका सोल प्रोप्रेटरशिप, JHF पार्टनरशिप, JSC यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके फॉर्मेशन, जितनी भी चीज़ें जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं सब हमने कवर करा रखी हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्ट है 1912, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब करवा रखा है। ठीक है, आगे देखिए हमने करवा रखा है बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, हमने एक एक चीज़ पढ़ा रखी, जॉइंट वेंचर, ग्लोबल पब्लिक, जितने भी इससे MCQs बनते हैं सब हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, अपनी क्लासेस में। और आपको बता दूं, नेक्स्ट जो है हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में बता रखा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, इससे जितने भी MCQ बनते हैं सब हमने करा रखे हैं। आगे देखिए, अभी हाल ही में हमने एक क्लास अपलोड करी थी, क्लास नंबर मेरे ख्याल से 28 थी वो, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रखा है। UNCTAD का एक क्वेश्चन आपको बता दूं, ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन छापता है, तो UNCTAD और इसके बारे में हमने पढ़ा रखा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, EPZ, SEZ कितने हैं हमारे यहाँ, कौन सा सबसे पहला था, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब हमने जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सब पढ़ा रखा है। ट्रेड होल्ड होल्ड सेल ट्रेड, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस फ्रेंचाइज, WTO और ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, एक एक डॉक्यूमेंटेशन इसमें जो लगता है, ये सब हमने अपने वीडियो में कंप्लीट करा रखा है 100%, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, रिसिप्ट नहीं रिसीट बोलते हैं उसे, वो भी हमने कंप्लीट करा रखा है। ओनर्स एंड बोरोड फंड, सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, ये सब हमने जो है अपने वीडियोस में करवा रखा है, जो कि बिजनेस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो कि हमारी क्रिसिल वगैरह जितनी भी हैं, एक एक चीज़ पढ़ा रखी है मैंने, माइक्रो क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट, ये सब हमने बहुत अच्छे से अपने वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। आगे देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हमने कंप्लीट कर रखा है। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो अभी हमारा मैनेजमेंट चल रहा है, और मैनेजमेंट में हमारी बस कुछ चीज़ें बची हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव जितनी भी डेफिनेशन है, साइंस आर्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक, ये सब हमने हेनरी फायोल, FW टेलर, जितनी भी चीज़ें हैं हमने सब करा रखी हैं बहुत ही डीप में, एक एक डेफिनेशन के साथ। बिजनेस एनवायरमेंट जिसके अंदर मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन, चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस एज अ फ्यूचरिस्टिक विजन, 100% हमने कंप्लीट करा रखा है। अब देखो, अभी जो हमारा चल रहा है क्लास नंबर 36, हमने डाली है प्लानिंग की, जिसमें हमने प्लानिंग को पूरा अच्छे से समझा रखा है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, सब कुछ पढ़ा रखा है, और जितनी भी डेफिनेशन आती है, LN की डेफिनेशन हो या जितनी भी डेफिनेशन है, वो हमने बता रखी है। अब हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बचे हैं। हमने आपको सारे साइंटिस्ट के नाम बता रखे हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं वो सब बता रखे हैं बहुत अच्छे से अपने वीडियो में। आगे देखिए क्या है, आगे है कि बिजनेस फाइनेंस, ये जो है हमने पूरा करवा रखा है, कैपिटल फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने करवा रखी हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो NSEI, ऑक्टाई, प्रोसीजर, सेबी, ये सब हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है, सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अभी ये हमको करवाना है, मार्केटिंग हमको करवाना है, जो कि हम बहुत जल्दी अपनी क्लासेस में आने वाली कंप्लीट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अभी मैंने क्लास नंबर 35 में ये डाला है, परसों वाली क्लास में मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है कि पांच साइंटिस्ट हैं, पांच साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है, हॉथरोन एक्सपेरिमेंट और अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब हमने करवा रखा है। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग एटीट्यूड, लीडरशिप अप्रोचेज, जितनी भी लीडरशिप की
अप्रोचेज हैं वो मैंने एक अलग से 14 मिनट का वीडियो है, 14 मिनट के वीडियो में मैंने पूरी की पूरी 100% कवर कर रखी है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सब हमने कवर कर रखा है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ये अभी हमको जो है थोड़ा सा करवाना है। क्वालिटी सर्कल, बेंच मार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमको थोड़ा सा अभी करवाना है। ISO, ये एक वीडियो में हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी हमारा एक वीडियो में हो जाएगा, अभी आने वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। देखो, अकाउंटिंग की हमने ये वाली तो क्लास अपलोड कर दी है, 40 मिनट्स की क्लास है, 40 से 45 मिनट्स तक की क्लास है। उसके अंदर आपको क्लास के पहले तो आपको ये समझा दिया गया है एक एक चीज़ कि क्या चीज़ कैसे होती है, कितनी डेफिनेशंस हैं, कहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो इस क्लास में आपको डिस्कस करके बता दिए गए हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही मैनेजमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हम पूरा करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें शेयर डिबेंचर्स, री इशू ऑफ शेयर वगैरह आने वाला है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आपके में तो बहुत कम सिलेबस है, UPTGT में तो बहुत ज़्यादा है, तो हम वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप हमारा ये वाला सिलेबस लेते हैं तो आपका अगर आप हमारा ये वाला कोर्स लेते हैं तो आपका UPTGT और LT ग्रेड और ये जो हरियाणा वाला है ये भी कवर हो जाएगा उसके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें, अकाउंटिंग रेशियो हम आपको आने वाले वीडियोस में करवाएंगे। आगे देखिए क्या है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हम आपको करवाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग हम आपको बहुत ही बच्चों वाले तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे कि कैसे आपको रेशियोज याद करने और क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसमें आ जाता है आपका MIS, देखिए MIS लिखा हुआ है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। इसमें DBMS आता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे DBMS, तो ये हम आपको करवा देंगे। फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आता है जिसके अंदर आपकी थ्योरी पूछी जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर HR एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें तो आपकी थ्योरी आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको करवा देंगे। करना क्या है आपको, आपको हमको कॉन्टैक्ट करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। कोर्स आप परचेज करिए, घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ज़्यादातर नोट्स इंग्लिश में हैं, लेकिन हिंदी में भी हम आपको लगातार समझाते चलते हैं। तो इस तरह से आप अपने इस पेपर को निकाल सकते हैं, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।